माय नेम इज़ प्रशांत और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक फिगर ड्रॉ करेंगे पहले। ठीक है, ये हो गया आपका एंगल वन और ये हो गया आपका एंगल टू। ठीक है, ऐसे दो एडजेसेंट एंगल जिसको अगर मैं एडिशन करूँगा तो आंसर 180 आए, उस पैर को मैं बोलूँगा लीनियर पैर। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, आप पहला एंगल देखोगे एंगल वन, दूसरा एंगल आप देखोगे एंगल नंबर टू। इन दोनों को अगर मैं साथ में रख रहा हूँ तो एक लाइन बन रही है। ठीक है, तो इस लाइन बनने की वजह से क्या हो रहा है, दोनों का एडिशन करने से हमें आंसर मिल रहा है 180 डिग्री। ठीक है, तो ऐसे दो एंगल्स जिसको एडिशन करने से 180 डिग्री मिल रहा है। ठीक है, दो एडजेसेंट एंगल्स, क्लियर। यहाँ पर आप देखोगे एंगल वन और एंगल टू एडजेसेंट एंगल्स होंगे। ठीक है, तो इसको हमने क्या नाम दिया हुआ है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, इस चैप्टर का ये ऑलमोस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे सम्स में ये यूज़ होने वाला है। ठीक है, तो एंगल वन प्लस एंगल टू यहाँ पे हो जाएगा आपका 180 डिग्री। ठीक है, डेफिनेशन देख लेंगे अच्छे से, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, यहाँ पे डेफिनेशन आ गई है, फिगर भी देख लेंगे। इफ नॉन कॉमन आर्म ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे नॉन कॉमन आर्म यानी क्या, क्लियर। तो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये एक एंगल है, ठीक है, और ये भी एक दूसरा एंगल है, इन दोनों में कॉमन आर्म ये हो गया। ठीक है, कॉमन आर्म क्या हो गया, ये वाला। डेफिनेशन क्या है, नॉन कॉमन आर्म, नॉन कॉमन आर्म यानी जो कॉमन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखोगे इस एंगल का ये एक आर्म है और इस वाले एंगल का ये राइट हैंड साइड एक आर्म है। तो जब भी दो एडजेसेंट एंगल ऐसे फॉर्म होंगे जिससे उनका जो नॉन कॉमन आर्म है, ये वाला, ये दो नॉन कॉमन आर्म है, उसको अगर हम ऐसे फिगर ड्रॉ करने के बाद एक लाइन बनेगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे एंगल ए ओ सी, ठीक है, एंगल ए ओ सी आप देखोगे उसका नॉन कॉमन आर्म ये वाला और ये वाला बी ओ सी का, ये नॉन कॉमन आर्म एक लाइन बना रहे हैं। ठीक है, लाइन बनाने की वजह से क्या होगा, इन दोनों का समेशन एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी, इन दोनों का समेशन यहाँ पे हो रहा है 180 डिग्री। ठीक है, तो इस एडजेसेंट एंगल्स, ये जो पैर बन रही है, ठीक है, इन दोनों की जो पैर बन रही है, इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, लीनियर पैर ऑफ एंगल्स। ठीक है, ये याद रखना है, यहाँ पे एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ सी 180 डिग्री होगा। ठीक है, एक सम देख लेते हैं तो और अच्छे से पता चलेगा। यहाँ पे आप देखोगे तीन एडजेसेंट एंगल्स हैं, ये दोनों आपस में एडजेसेंट एंगल्स है और ये दोनों आपस में एडजेसेंट एंगल्स है। तो फिगर देख के आपको पता चलेगा कि तीन एंगल्स ऐसे बने हुए हैं जिससे ये एक नीचे वाली एक लाइन बन रही है। ठीक है, तो फिगर देख के आपको पता चल गया कि ये तीनों की वजह से एक लाइन बन रही है। तो अब मैं क्या करूँगा, ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल, ये तीनों का एडिशन कर लूँगा तो इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं 180, क्योंकि ये एक लाइन बना रहे हैं। यहाँ पे ये एंगल देखोगे आप, फिर से फिगर देखेंगे अच्छे से, ये एंगल इतना बन रहा है, ठीक है, फिर ये 55 डिग्री और ये दूसरा एंगल बन रहा है x प्लस 20। ठीक है, इन सबको आप ऐड करते जाओगे, ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल, तो ये एक 180 डिग्री जितना हो जाएगा क्योंकि एक लाइन बन रही है। ठीक है, सॉल्यूशन देखेंगे अच्छे से, सॉल्यूशन में यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, ये रहा फिगर, ये रहा यहाँ पे फिगर, यहाँ पे क्या होगा, एंगल ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये रही एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे, और क्या होगा, यहाँ पे ए ओ बी स्ट्रेट लाइन है, ए ओ बी स्ट्रेट लाइन होने की वजह से क्या होगा, 180 डिग्री होगा, क्लियर। तो इस 180 डिग्री को हम कैसे लिख सकते हैं, एंगल ए ओ सी ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, इन तीनों के इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं 180 डिग्री, क्योंकि इन तीनों का एडिशन करने से मुझे एक लाइन मिल रही है। ठीक है, और लाइन का एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे ए ओ सी प्लस सी ओ डी प्लस बी ओ डी, ये हो रहा है आपका 180 डिग्री। यहाँ पे 3x-7 प्लस 55 डिग्री प्लस x प्लस 20 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली आप सॉल्व करोगे, ये 3x और दूसरा x हो रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 4x, क्लियर। वेरिएबल को वेरिएबल के साथ एडिशन कर लिया मैंने, दूसरा क्या हो रहा है, -7 प्लस 55 प्लस 20, ठीक है,
55 प्लस 20 करोगे तो ये हो जाएगा आपका 75, 75 माइनस 7 करोगे तो ये हो जाएगा आपका 68। ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड, आपने सॉल्यूशन निकाल दिया। राइट हैंड साइड आपका क्या होगा, 180 डिग्री। क्लियर, ये हो गया आपका 180 डिग्री। सॉल्यूशन देखेंगे अच्छे से, ये हो गया आपका 4x प्लस 68 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 4x इज इक्वल टू 112। ठीक है, ये 68 डिग्री यहाँ पे जाएगा राइट हैंड साइड, तो माइनस हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 68 डिग्री। ठीक है, ये आप रफ में सॉल्व करोगे तो ये सिंपली आंसर हो जाएगा 112 डिग्री। क्लियर, अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, फोर मल्टीप्लिकेशन में है तो इसलिए सामने जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा 112 डिवाइड बाय 4। ये डिवाइड करोगे तो आपको फाइनल आंसर मिलेगा यहाँ पे 28 डिग्री। ठीक है, ये आपको कौन सा आंसर मिल गया, ये आपको आंसर मिल गया एक्स का। ठीक है, यहाँ पे आप 3x-7 फाइंड करोगे, 3x की जगह पे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे हमने एक्स की वैल्यू निकाली है 28 डिग्री माइनस 7 डिग्री। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था ए ओ सी, ये आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका 84-7, फाइनल आंसर हो जाएगा आपका 77 डिग्री। ठीक है, ए ओ सी हो गया 77। ऐसे ही आपको यहाँ पे बी ओ टी सॉल्व करना है, एक्स प्लस 20, एक्स की वैल्यू है आपकी 28 डिग्री, और ये 20, 28 प्लस 20 ये हो जाएगा आपका 48 डिग्री। ठीक है, ये दो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने थे, ये हो गया आपका ए ओ सी और बी ओ टी। यहाँ से हमें एक एग्जाम मिल रहा है 6.1, चैप्टर 6 है, इसलिए यहाँ पे हम एग्जाम 6.1 लिख रहे हैं। पहले तो हम समझेंगे एग्जाम क्या होता है। ठीक है, एग्जियम वो सेंटेंस होता है जो ऑलवेज ट्रू होता है। ठीक है, उसको कोई प्रूफ की ज़रूरत नहीं होती, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। एग्जियम यानी क्या, ठीक है, एग्जियम यानी वो स्टेटमेंट जो ऑलवेज ट्रू होता है, जिसको कोई भी प्रूफ की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, सिर्फ स्टेटमेंट लिख दिया तो वो राइट हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम ऐसा बोलते हैं सन राइजेज फ्रॉम ईस्ट, ठीक है, तो वो ऑलवेज ट्रू है। ठीक है, उसको कोई प्रूफ की ज़रूरत नहीं है। वैसे ही यहाँ पे ये जो एग्जियम वर्ड जब भी आएगा तो आपको याद रखना है कि ये ऑलवेज ट्रू है। ठीक है, ये लीनियर पैर का ही एक अच्छे से डेफिनेशन है एग्जियम 6.1। ठीक है, क्या बोलता है कि इफ रे स्टैंड ऑन अ लाइन देन सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स आर 180 डिग्री। मीनिंग क्या हुआ, एक एक वर्ड को समझेंगे। पहले पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, इफ रे स्टैंड्स ऑन लाइन, यहाँ पे आप देखोगे ये एक रे आपको दिख रहा है। ठीक है, और ये आपको एक लाइन दिख रही है। ठीक है, स्टेटमेंट क्या है, इफ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, ये रहा यहाँ पे रे। रे क्या कर रहा है, स्टैंड यहाँ पे लाइन के ऊपर स्टैंड कर रहा है। ठीक है, मतलब वहाँ पे खड़ा है। और दूसरा स्टेटमेंट क्या है, देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल। ठीक है, ये लाइन बन गई और ये एक रे आ गया, लाइन के ऊपर स्टैंड कर रहा है। ऐसा करने से यहाँ पे दो एंगल बन रहा है, एंगल वन और एंगल टू। ये जो दो एडजेसेंट एंगल्स बन रहे हैं उन दोनों का आप समेशन करोगे तो वो ऑलवेज 180 डिग्री होगा। ठीक है, ये क्या होगा, ये टोटल एंगल थ्री, एंगल थ्री इज इक्वल टू, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल वन प्लस टू, और एंगल थ्री क्या है, 180 डिग्री। मतलब यहाँ पे एक स्टेटमेंट हो गया, 1 + 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, फिर से समझ लो, रे स्टैंड कर रहा है लाइन के ऊपर। ठीक है, ऑन लाइन, ये रहा यहाँ पे एक लाइन है, उसके ऊपर रे स्टैंड कर रहा है, दो एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स बन रहे हैं। ठीक है, पहला एडजेसेंट एंगल होगा 1, दूसरा एडजेसेंट एंगल होगा 2, इन दोनों का समेशन 180 हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया एग्जियम 6.1। एग्जियम 6.2 क्या है, इफ सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री देन नॉन कॉमन आर्म ऑफ द एंगल्स फॉर्म अ लाइन। ठीक है, जो एग्जियम 6.1 है उसका ही रिवर्स स्टेटमेंट आप बोल सकते हो इसको। ठीक है, अगर एग्जियम 6.1 एक्टिव वॉइस है तो ये आप पैसिव वॉइस समझ सकते हो। मतलब क्या हो रहा है, इफ सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल, ठीक है, दो एडजेसेंट एंगल का समेशन अगर 180 हो रहा है तो उनका जो नॉन कॉमन है, ठीक है, इस एंगल का नॉन कॉमन, ये वाला एंगल इसका नॉन कॉमन, ये वाला होगा लाइन। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे अच्छे से, ये एक एंगल है, ये वाला एंगल है, तो इसका एक नॉन कॉमन आर्म ये होगा, ये वाला एंगल है, इसका नॉन कॉमन आर्म ये होगा। ठीक है, अगर दो एडजेसेंट एंगल का समेशन 180 है तो जो नॉन कॉमन आर्म है,
जो नॉन कॉमन आर्म है वो क्या बनाती है, एक लाइन बनाती है, ये एक स्टेटमेंट है, ठीक है। इसको हम क्या देंगे, एक्सियम 6.2, ठीक है। और अच्छे से देखना होता है फिगर में देख सकते हो, यहाँ पे क्या हो रहा है कि 1 + 2 अगर ऑलरेडी हमको गिवन है कि दो एंगल है, उनका समेशन 180 डिग्री है, तो उनका जो नॉन कॉमन आर्म है, ठीक है, एंगल 2 का नॉन कॉमन आर्म क्या होगा, ये रहा OB, एंगल 1 का नॉन कॉमन आर्म क्या होगा, OA। तो जब ये दोनों 180 गिवन है तो ये जो दो नॉन कॉमन है वो क्या हो जाएंगे, एक लाइन बन जाएगी। ये स्टेटमेंट गिवन है यहाँ पे एक्सियम 6.2 में, ठीक है। तो इस वीडियो में हम यहीं पर ही हमारा वीडियो एंड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। फिलहाल के लिए हम यहीं पे वीडियो हमारा एंड करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।